हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल का सेवेंथ पार्ट सेवेंथ वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी के लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने आप करके दिखाया था, सेकंड पार्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप करेंगे, लेकिन अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सिक्स का बड़ा इजी है। सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट में आपको इसको एक्सपांड करना है 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो इसका एक्सपेंशन बेहद आसान है, ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन फॉर्मूले की बस जरूरत है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाइए और आप इसको एक्सपांड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2x होल क्यूब, ए क्यूब की जगह बी क्यूब की जगह 1 क्यूब, 3ab 3 इंटू 2x इंटू 1, ये डॉट इंटू के लिए है, ब्रैकेट विल हैव 2x प्लस 1 और इसको आगे लिख देते 2x होल क्यूब इज 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6x इंटू 2x 12x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x 6x इंटू 1 6x। अब आप इसको चाहें तो उस ऑर्डर में लिख दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में 8x क्यूब उससे नीचे की पावर 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये था सिक्स के फर्स्ट पार्ट का एक्सपेंशन, बड़ा आसान था, आपने देखा किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखो सिक्स का सेकंड और फोर्थ सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है। तो अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूं, सेकंड और थर्ड आप सेल्फ ट्राई करना, प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना। ब्रैकेट x माइनस 2/3y होल क्यूब, ये दोनों एक ही जैसे ब्रैकेट है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। इसमें a माइनस बी होल क्यूब का लगेगा, a माइनस बी होल क्यूब क्या कहता है, a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये एक्सपेंशन इसका। x क्यूब माइनस 2/3y क्यूब माइनस 3ab, ए बी मीन्स एक्स इंटू दिस, एक्स इंटू 2/3y, आपका मन हो रहा होगा काटने का तो आप काट सकते हैं अभी, है ना, ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी मीन्स x माइनस 2/3y, एक्स माइनस 2/3y, ये ब्रैकेट आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अभी से सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना चालू कर दे, बड़ा आसान काम है। एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब 8 अपॉन 3 क्यूब 27, वाई क्यूब माइनस ये हो गया आपका 2xy इंटू x, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर y, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ प्लस, ये है 2xy इंटू दिस, तो ये जाएगा 4xy स्क्वायर अपॉन 3, ये इसका एक्सपेंशन था। तो ये था सिक्स क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, हमने कितने आसानी से किया आप देख सकते हैं, आप खुद भी ट्राई करें। सेकंड और थर्ड मैंने आपको असाइन किया है एज अ होमवर्क, तो आप होमवर्क में करें इसको और मुझे लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट 99 क्यूब, तो 99 क्यूब से ही स्टार्ट करते हैं। 99 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 क्यूब, और ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड हियर, 100 स्क्वायर क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 100 क्यूब क्या होगा आपके पास, तो आप देख लें ये डबल जीरो है और क्यूब है तो 6 टाइम जीरो आ जाएंगे आपके पास, 100000 हेक्सा जीरो, ठीक है 6 जीरो हो गए, माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100, तो
तो माइनस 300 इंटू 100, तो डबल जीरो डबल जीरो, क्वाड्रा जीरो, 30,000। और दूसरा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 300। अब इसमें प्लस प्लस एक साथ ऐड कर दें और माइनस माइनस एक साथ ऐड कर दें, तो आपके पास ये हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये और ये ऐड कर देंगे, ये और ये ऐड कर दें आप, तो हो जाएगा 10,000 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 10,300 माइनस 30,001। तो आप 30,001 इसमें से माइनस कर दें, जो आपका प्रोसीजर है, जीरो में से वन जाएगा नहीं, तो वही कंसेप्ट है, 10 माइनस 1 9, जीरो में से जीरो वन हो जाएगा, ये भी 9, ये 3 में से वन जाएगा तो ये हो जाएगा 2, जीरो में से जीरो जीरो और वन माइनस दिस, सॉरी जीरो माइनस वन ये हो गया, जीरो माइनस वन कैरी करेंगे 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, फिर ये 1 बन जाएगा, 1 इसमें से गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9, और फिर जब ये बन गया, ये भी 1 बन जाएगा, तो ये 1 3 में से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, बिल्कुल सही। अब इस जीरो में से ये 3 गया तो ये जीरो में से 3 जाएगा नहीं, तो कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लेंगे इसमें से, तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 7,299। ये इसका कैलकुलेशन आ गया, ये सेवेंथ का आपका फर्स्ट पार्ट था। सेवेंथ का आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें 102 का क्यूब है, तो 102 का क्यूब भी देख लेते हैं, फिर तीसरा आप करना 102 क्यूब, तो 100 प्लस 2 होल क्यूब, 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, ये फॉर्मूला लगाया, ये a प्लस बी होल क्यूब का, आप ये फॉर्मूला यहाँ पे कोट कर दीजिएगा, इंटू 100 प्लस 2, तो ये आपका 100 का क्यूब है, 100 का क्यूब वही आपका ये हो जाएगा 1 और 6 0, ये आ गया 100 क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपके पास यूनिट, 10,000 लैक्स प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 100 600 इंटू 100 60,000 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 100 600 इंटू 2 600 इंटू 2 1200। अब इसमें तो आपको सब ऐड ही ऐड करना है ना, तो एक बार इसको चाहें तो मैं सिस्टमेटिकली ये सब बोलता हूँ, वैसे आप लिख लो इसको 1,000,010,00,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 10,000,000 प्लस 60,000 प्लस 1,200 प्लस 8, आप इस स्टाइल में लिख दो, आपको ऐड करना आसान हो जाएगा, तो ये आपका आउटकम आएगा 8, ये वाले सारे 0, ये 2, ये 1, ये 6, ये 0, ये 1, तो ये इसका आउटकम है। आप इसे चाहें तो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा केस देखेंगे, दूसरे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन है बस, कोई खास बात नहीं, कैलकुलेशन आप ध्यान से करना। एट्थ में आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, एट्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस
12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का दिख रहा है ये, तो आप इसको सबसे पहले क्या लिख लें, 8 ए क्यूब को इसको लिख दें आप 2 ए होल क्यूब बी क्यूब। तब आप इसको उस फॉर्मूले से कोरिलेट करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स और वाई में इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में ए भी दिए हैं, तो आप फॉर्मूले के लिए एक्स और वाई ले लो, तो उससे आपको आइडेंटिफिकेशन में सहूलियत होगी। यहां पे आ जाना चाहिए आपका 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला अगर ऐसा नहीं हो तो इसको ऐसा भी लिख देते हैं, इसको एक्सपांड करके भी लिख देते हैं फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y 3x y स्क्वायर। ये और ये एक ही चीज है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके जैसा आएगा। तो ये जो लिखा हुआ है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए हमें, 3 एक्स स्क्वायर, एक्स किसको हमने बोला, एक्स इसको बोला, तो इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर इंटू वाई, वाई कौन है, तो वाई हमने कहा है बी को, वाई इज बी, तो यहाँ पे बी देख लो ये बराबर है क्या, इज दिस इक्वल टू 12 ए स्क्वायर बी है क्या, देखो 2 स्क्वायर इज 4, 4 थ्री जा 12 ए स्क्वायर बी बराबर है प्लस 6, बिल्कुल आप साथ साथ करते रहना, आप देखना आप अपने कॉपी पे कर भी सकते हैं साथ में। अब देखिए दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, 3x y स्क्वायर, तो 3x y स्क्वायर में सबसे पहले आप 3 लिख दें, व्हाट इज x, x इज 2 a और व्हाट इज y, y आपका b है तो b स्क्वायर, देखो ये बराबर है क्या, आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल, ये भी 6 ए बी स्क्वायर है, ये भी 6 ए बी स्क्वायर है, तो ये बराबर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से दिस विल बी x प्लस वाई होल क्यूब, तो ये बन जाएगा आपका 2a प्लस बी होल क्यूब, ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब दूसरा केस भी देखते हैं हम, दूसरा केस ऑलमोस्ट सेम है सेकेंड वाला, उसमें माइनस का काम है, 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको x माइनस वाई होल क्यूब का बताया है वो फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, मैंने बताया है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। अगर आप इसको इस ओपन कर देंगे तो क्या होगा, वो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x 3x स्क्वायर y माइनस इंटू माइनस प्लस 3x y स्क्वायर, ये आ गया। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, दोनों सेम है। अब इसमें देखो इसको कोरिलेट करेंगे उसी से जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस इसको लिखा हमने जैसा यहाँ लिखा था ना, क्या लिखा था 3 इंटू दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू और दूसरा है देखो, और ये फॉर्मूले में सब कुछ फिट बैठ गया, ये इसके जैसा हो गया, ये इसके जैसा हो गया, ये इसके जैसा हो गया और ये इसके जैसा हो गया, क्या बन गया ये x माइनस y होल क्यूब। तो x क्या है हमारा, x हमारा है 2a और y है b, तो ये हो गया 2a माइनस बी होल क्यूब। तो ये था 8 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये भी दोनों एक जैसे ही हैं, फिर भी मैं इसमें फोर्थ वाला बहुत तेजी से सॉल्व कर देता हूं और आप आराम आराम से इसको ट्राई करना। फोर्थ है 64 ए क्यूब 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। फॉर्मूला ये लगेगा जो लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y होल क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका 64 किसका क्यूब है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 4 का क्यूब है, इसको लिखा 4a क्यूब माइनस
थ्री थीजा नाइन थीजा, तो ये थ्री का क्यूब है, यहां पे आ जाना चाहिए थ्री ए एक्स स्क्वायर वाई, थ्री स्क्वायर ऑफ दिस इंटू थ्री बी, थ्री स्क्वायर ऑफ फोर ए इंटू थ्री बी, फिर आगे प्लस, देखो यहां पे ये प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स किसको बोला फोर ए को, तो थ्री इंटू फोर ए इंटू थ्री बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर। और देखो ये सेम है कि नहीं है पहले देख लेते अपन, ये देखो ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है या नहीं है, है आइडेंटिकल, क्यों, फोर स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, और फोर्टी एट थ्री जा वन फोर्टी फोर, आप चाहो तो कैलकुलेटर से देख लो, ये वाला जो है ये वाला केस थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू थ्री करेंगे तो आप यही आएगा आपके पास कौन सा वन हंड्रेड एट, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब फोर ए माइनस थ्री बी होल क्यूब, तो ये हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर एट। अब एट्थ में अच्छा ओके आई एम सॉरी, मैंने सी पार्ट नहीं देख, इसका फिफ्थ पार्ट नहीं देखा था, फिफ्थ में फ्रैक्शन भी दिया है, तो फिफ्थ भी इसी के जैसा है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, फिफ्थ भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको मदद मिलेगी, अगर इनकेस कहीं आप कंफ्यूज हो गए तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन से मदद मिलेगी, जो मैंने लिखा उसको आप देख लेना। फिफ्थ है 27 पी क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 बाय 2 पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 पी। अब आपको मालूम है कि लाना इसको इसी फॉर्म में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, उसी में आएगा। देखो इसको क्या लिख देंगे अपन, थ्री पी होल क्यूब माइनस वन अपॉन ये सिक्स का क्यूब है माइनस, अब क्या लाना अपने को, थ्री इंटू स्क्वायर ऑफ दिस थ्री पी स्क्वायर इंटू वाई, वाई मीन्स वन बाय सिक्स। अब चलो कैलकुलेट भी कर लो, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फिर गलत है। ये क्या लिखा है, थ्री इंटू थ्री स्क्वायर नाइन बाय सिक्स, तो ये थ्री टू जा सिक्स हो गया, ये आ गया ना नाइन बाय टू, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। आगे बढ़ो, प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो थ्री एक्स थ्री पी वाई स्क्वायर कौन है, तो वाई इज वन बाय सिक्स, तो वन बाय सिक्स का स्क्वायर देख लो। अब देखो वन बाय सिक्स स्क्वायर कितना है, वन बाय सिक्स स्क्वायर वन बाय थर्टी सिक्स है, और थ्री थ्री जा कितना है नाइन, नाइन से कैंसिल हो गया, नाइन फोर जा तो ये आ गया ना वन बाय फोर इंटू पी, तो ये एग्जैक्टली उसके इक्वल आ गया, परफेक्टली उससे फिट बैठ गया, तो ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा 3p माइनस 1 बाय सिक्स होल क्यूब, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो बस इसमें कुछ खास नहीं था, आपने देखा और हमने अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में दो पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं, बड़ा आसान चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप देखते रहें प्रैक्टिस करते रहें, प्रॉब्लम आए तो मुझे लिख भेजें, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, स्टार्टिंग में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट करना चाहें तो यू मे डायरेक्ट व्हाट्सएप टू मी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन दिस क्वेश्चन यू आर सपोज टू वेरीफाई, दो पार्ट है फर्स्ट और सेकंड, तो मैं नाइन्थ का सेकंड कर देता हूं क्योंकि सेकंड थोड़ा सा अलग है, तो सेकंड वाले में है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना मतलब एक टाइप से प्रूव ही करना है हमें कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड है, आप पहला और दूसरा दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सेकंड वाला माइनस है
और फर्स्ट में प्लस प्लस है, तो इसलिए मैं इस माइनस को प्रेफरेंस दे करके करता हूं, फर्स्ट वाला आप सॉल्व करना। और दूसरी बात है कि ये दोनों जो हैं, इसका फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट, दोनों फॉर्मूले के जैसे भी इस्तेमाल होंगे, तो दोनों को आप बाद में याद भी रखना, क्योंकि टेंथ क्वेश्चन जब आएगा तो टेंथ क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के लिए ये नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट और नाइन्थ का सेकंड पार्ट दोनों फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल होंगे। तो यू विल हैव टू कीप दिस एंड इट्स फर्स्ट पार्ट एज फॉर्मूलाज इन योर माइंड। अब हम इसको प्रूव करते हैं, तो राइट हैंड साइड से लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस यूजिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अब देखिए एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, जब इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब कौन किससे कैंसिल होगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, आगे पीछे लिखे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से एक जैसे ही एक्स स्क्वायर वाई और ये भी एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर दोनों के नीचे डबल लाइन कैंसिल, तो आउटकम कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और वो जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद सेल्फ ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपसे हो गया। तो अब नाइन्थ का सेकेंड पार्ट भी आपने देख लिया और इसको मैंने आपको बोला कीप इन माइंड। और जो नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट ऐसा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे दोनों रिजल्ट। तो इन दोनों रिजल्ट का यूज करके अब ये फॉर्मूले की तरह काम होगा, इन दोनों का रिजल्ट यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 10 को फैक्टराइज करेंगे। तो 10 का फर्स्ट पार्ट है, टेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 वाई क्यूब प्लस 5 जेड क्यूब और वो वाला फॉर्मूला लगा दें। तो फॉर्मूला अगर आप वो लगाएंगे तो वो भी एक्स वाई में है, क्वेश्चन भी एक्स वाई में है, तो आप चाहें तो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख दें तो आपके टीचर्स आपसे इम्प्रेस होंगे, वो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझेंगे कि बच्चा बहुत होशियार है और थोड़ा सा तेज है। तो वो आप ये वाला लिख दें इस तरीके से, ए क्या चीज है, ए इज 3y, तो यहां पे आ जाएगा 3y, फिर 5z, यहां पे ब्रैकेट क्योंकि यहां ए स्क्वायर है तो ए यानी इसका पूरे का स्क्वायर 3y होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना है, उसको राइट साइड को सिंप्लीफाई बस कर देते हैं, हो गया काम। 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15 yz प्लस 25z स्क्वायर, ये आपका इसका एक्सपेंशन आ गया, ये इसका सॉरी फैक्टराइजेशन हो गया। ये था नाइन्थ का सॉरी टेंथ का फर्स्ट पार्ट और उसमें लिखा भी है हिंट सी क्वेश्चन नंबर 9। अब सेकंड वाला आप सेल्फ ट्राई करना यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करते हुए टेंथ का सेकंड करना, फिर मुझे लिख भेजना, प्रॉब्लम आएगी तो शेयर करना, शर्माने की जरूरत नहीं है।
छोटी सी भी प्रॉब्लम आए आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, आप चाहें तो मुझे फोन भी कर दें, फोन पे आप टाइम ले लें कि किस टाइम पे आपको फोन करना है, एंड आई विल लेट यू नो व्हेन टू फोन मी, और उस इसके हिसाब से हम आगे की प्लानिंग कर लेंगे। अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, क्वेश्चन नंबर 12th में आपको प्रूव करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वायर y माइनस जेड स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तब इसमें दो तरीके हैं दोस्तों, या तरीका नंबर एक और तरीका नंबर दो, दोनों में आपके साथ शेयर करता हूं। एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रखना होगा कि वो फार्मूला क्या होता है। अगर वो फार्मूला याद है, दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपसे शेयर करूंगा, जो आपको इजी लगे आप उससे ध्यान रखना, लेकिन फार्मूला लर्न करना ही पड़ेगा आपको। तो फार्मूले का आप ध्यान से देखें, फार्मूला क्या है, फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा कि सर ये आया कैसे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए इसको करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इससे, फिर एक्स को इससे, फिर एक्स को इससे, जैसे आपको मालूम है, फिर इससे और फिर इससे, इसी तरीके से वाई से करेंगे सबको, इसी तरीके से जेड से सबको करेंगे। तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट लिखते टाइम भी कम है और काम भी ज्यादा, x को सबसे कर दो, x इंटू एक्स, ध्यान देते जाना एक्स क्यूब, अब x को इससे करना एक्स वाई स्क्वायर, x को इससे कर दिया, फिर x को इससे कर दिया, फिर x को इससे कर दिया, फिर x को इससे कर दिया, ठीक है। अब अपन ऐसा करो और इसको अल्फाबेटिकली लिख लो तो और अच्छा है, अल्फाबेटिकली मतलब जेड एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर जेड लिख दो, एक्स पहले और जेड बाद में। अब वाई का नंबर है तो देखो वाई से करते हैं, नीचे लिख रहे हैं इसके वाई इंटू दिस, तो एक्स स्क्वायर वाई लिख दो, वाई एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई अल्फाबेटिकली, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, वाई इंटू जेड स्क्वायर, वाई जब इससे होगा तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इससे होगा तो वाई स्क्वायर इंटू जेड, इससे होगा तो एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकली। अब आखिरी वाला जो है ये इसका जेड का भी होगा, तो जेड इससे हुआ तो एक्स स्क्वायर जेड, इससे हुआ तो वाई स्क्वायर जेड, इससे हुआ तो जेड क्यूब, इससे हुआ तो एक्स वाई जेड, इससे हुआ तो वाई जेड स्क्वायर, इससे हुआ तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जेड, तो जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर एक्स, पर हमने लो सोचा है अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर लिख दो। अब जो जो जिससे कैंसिल हो रहा है उनको अपन को कैंसिल भी करना है और शर्माने की जरूरत है नहीं, तो शर्माते तो वैसे भी नहीं हो आप। अब देखो सबसे पहले तो देखो एक्स क्यूब जो जो होगा कैलकुलेट उनको लिख देते हैं पहले, प्लस वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये तीनों आ गए डायगोनली, ये लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई इससे कैंसिल है, तो इसकी ऐसी लाइन बना दी इस स्टाइल से एक्स स्क्वायर वाई। अब दूसरा है एक्स स्क्वायर जेड किसी से हो रहा है क्या, इसकी लाइन इस तरीके से बनाई है, अब एक्स स्क्वायर जेड ढूंढो आप, एक्स स्क्वायर जेड आपको कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर जेड ये मिल गया, कैंसिल कर दो। अब आगे आ जाओ,
इसमें क्या लिखा है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, इसको सीधी लाइन से कर दो, ये सीधी लाइन से होगा कैंसिल, ठीक है। एक्स जेड स्क्वायर को ऐसे कर दिया, एक्स जेड स्क्वायर ऐसे।